जयप्रकाश जी को लड़ना हार गया संसद में, तो नहीं लड़े, बेटी को लड़ा चाहते तो अपनी लड़ सकते थे। चार वो को दिए, वो को नहीं देखिए जो रिपोर्ट आ रहा है। सोरेन का एक काम बहुत अच्छा हुआ, जो सदन के अंदर वो घोषणा किया ना, विधानसभा का गरिमा बढ़ गया। जब सेशन चलता हो तो कैबिनेट का डिसीजन जो भी का शिविर राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश की ओर से, ये जितने भी 2400 जिले से आ रहे हैं भर्ती होने के लिए सेना में, उनके सेवा के लिए रात में सोने का व्यवस्था, रात में खाना खाने का व्यवस्था और पानी का व्यवस्था, सारी सुविधा दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष माननीय बड़े भाई अभय कुमार सिंह जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई रंजन यादव जी और हमारे वरिष्ठ गार्जियन झारखंड के प्रभारी माननीय जयप्रकाश नारायण यादव जी और गरीबों के मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा आदेशा निर्देश पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह जी एवं सारे पदाधिकारी, सारे राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी पदाधिकारी सभी लोग रहेंगे, सेवा में निस्वार्थ भाव से सेवा देंगे और सेना में आए हुए जवानों को कोई सुविधा न हो, वह सुविधा में कमी ना हो, उसके लिए हम लोग सदैव तत्पर रहेंगे। आरजेडी का जहां तक अपना ये है, हम लोग शुरू से ही आरजेडी जो है सबका दर्द समझती है, गरीब हो मजदूर हो जो भी है, दबे कुचले लोग हैं, सबका हम लोग दर्द समझते हैं, आरजेडी पार्टी समझती है हमारी पार्टी जो है। आपने देखा होगा कि जब से देश में लॉकडाउन लगा था तो उस समय हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो भी थे, चारों तरफ सारा चीज़ बंद हो गया था लॉकडाउन में, तो हम लोग ने जो ऐतिहासिक शिविर जो लगाया था 73 डेज का, 73 दिन का जो रिम्स कैंपस में जो हम लोग लगाए थे, तो उस टाइम भी हम लोग सेवा का काम किए थे। इस बार भी जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं लड़के हमारे, जो उसमें बहुत से गरीब लोग शामिल होते हैं, उन लोगों को जो असुविधा होती थी पहले, कहीं ठहरने का इंतजाम नहीं, या ठहरना भी होता था तो आजकल चार जान ही रहे हैं कितना महंगाई चरम सीमा पर है। ये गवर्नमेंट जब से आई है तो महंगाई आसमान छू रही है। ये सब देख के कि हम लोग जो है गरीब लड़के ना अफोर्ड कर सकते हैं होटल का ना और भी कोई चीज़, इसलिए हम लोग उन लोगों की असुविधा को देखते हुए आरजेडी ने ये शिविर लगाने का काम किया है। हम लोग उन लोग का मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, यही सोच के हम लोग। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।